नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ट्रेन के अंदर खाना कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेन के अंदर खाना ऑर्डर कर पाएंगे, जिसमें ट्रेन के अंदर ही आपको खाना लेकर आया जाएगा और आप आराम से लेकर खा पाएंगे। कैसे होता है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आपको भी जाना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, ये आपके पास होनी चाहिए और आपके पास IRCTC अकाउंट होना चाहिए। नहीं है तो ये दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए ऑर्डर फूड इन ट्रेन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपने टिकट का PNR नंबर दर्ज करना होता है। यहाँ पे देखिए एंटर PNR टू ऑर्डर, आपके यहाँ पर PNR ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस आप चाहो तो ट्रेन का नाम भी लिख के काम कर सकते हो। चलो हम यहाँ पर PNR नंबर दर्ज करते हैं और ट्रेन के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और यहाँ पर सबमिट पे हम क्लिक करेंगे अपना PNR दर्ज करके। एंड दर्ज करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सारे स्टॉपेज शो कर दे, कहाँ कहाँ आपकी ट्रेन रुकने वाली है, किस स्टेशन पर आपको खाना चाहिए, उस स्टेशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमें इस स्टेशन पर खाना चाहिए तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ दिखा रहा है कि 47 रेस्टोरेंट है, 47 प्रकार के रेस्टोरेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। और प्लस यहाँ पर देखिए 15 मिनट होल्ट है, 15 मिनट का वहाँ रुकने का जगह है ट्रेन का, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, अपने स्टेशन के ऊपर जहाँ पर खाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको किसी एक रेस्टोरेंट को सिलेक्ट कर लेना, बहुत रेस्टोरेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इस रेस्टोरेंट को सिलेक्ट करेंगे जो जूप लिखा हुआ है, JOOP, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए मसाला, इसके ऊपर क्लिक करें मसाला लाइब्रेरी। एंड यहाँ आने के बाद देखिए दोस्तों आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे जिसके ऊपर क्लिक करोगे उस प्रकार का खाना आपको नीचे शो करने शुरू कर देगा। जैसे हमें यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर करना है उसके ऊपर हम सिलेक्ट करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हम सिलेक्ट करेंगे और जो हमें चीज़ ऑर्डर करना है यहाँ पे देखेंगे, और जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर करना है तो यहाँ पर प्लस वाला आइकन पे हमें क्लिक करना होगा कि ये चीज़ हमें मंगाना है, तो हम यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे प्लस पे क्लिक करते हो यहाँ पर नीचे उसकी वैल्यू जो रेट जो है नीचे शो कर देता है कि इतना आपको देना होगा। जैसे ये 180 रुपये से होगा प्लस चेकआउट, चाहो तो अभी मंगा सकते हो। और आप चाहते हो कि इसके साथ में और भी कुछ ऑर्डर करना चाहो तो आप प्लस वाला आइकन पे आप क्लिक कर दो जो और मंगाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए इसको मंगाना तो इस प्लस पे क्लिक कर दो, अब हो गया देखिए कुल मिलाकर 380 रुपये का। हालांकि हमें एक ही चीज़ मंगाना है तो हम इसको माइनस कर देंगे, इसको हटा देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर आगे नेक्स्ट चेकआउट पर क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर वापस उतना हो गया जितना पहले था, एक आइटम ही सिलेक्ट हुआ है। इतना सिलेक्ट करने के बाद में आपको जितनी भी थाली चाहिए, मतलब जितना भी प्लेट चाहिए उतना संख्या बढ़ा दीजिए और चेकआउट पे क्लिक कर दीजिए। एंड चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डिटेल भरने के साथ का नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी और ऑटोमेटिक आपका सीट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा, आपका आ जाएगा। आपने PNR नंबर अगर आप चाहते हैं देना है दे दीजिए, दूसरे वाले पे कॉल कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है तो हम एक ही देंगे और यहाँ पर टैक्स दिखा रहा है 9 रुपये, बाकी 100 रुपये का प्रोडक्ट का। यहाँ पर शेड्यूल पे हम क्लिक करेंगे, शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा कि आप पेटीएम के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी भी चाहते हो, खाना आएगा तो आप पेमेंट करेंगे। चलो कैश ऑन डिलीवरी अभी कोशिश करिए, कैश ऑन डिलीवरी हमारा थैंक यू आ गया और हमारा जो ऑर्डर है कलेक्ट हो गया है। अब जब वो वाला स्टॉपेज जहाँ पर हमें खाना मिला है जयपुर तो जयपुर से हम देखते हैं हमारा खाना आ जाएगा। जब भी आपकी ट्रेन वहाँ पहुँचेगी आपको खुद फ़ोन करके आपसे ऑर्डर कंफर्म कर लेंगे और आपके ऑर्डर को बोले तो खाना को आपके पास पहुँचा देंगे। तो दोस्तों यही तरीका है जिसके माध्यम से आप ट्रेन में ऑनलाइन ट्रेन के अंदर बैठे बैठे खाना मंगा सकते हो। दोस्तों आपको जानकारी वीडियो देखने की, आपकी जानकारी अगर अच्छी लगी हो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और यदि आप खाना कैंसिल करना चाहते हो तो ऊपर आपको देखिए कैंसिल करने का 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो कैंसिल का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे देखो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो कैंसिल ऑर्डर ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।